फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टार अकेडमी। आज के इस 5 बजे के करंट अफेयर की वीडियो शो में आपका स्वागत है। तो आज की जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम क्विज फॉर्मेट में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 40वें संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो इसरो ने अभी 40वां उपग्रह लॉन्च किया तो उसका नाम बताना है। GSAT-31, GSAT-39, GSAT-40 या GSAT-B1। इसका सही आंसर है GSAT-31, यानी कि ए इसका सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने फ्रेंच गुयेना के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से 40वें उपग्रह GSAT-31 का 5 फरवरी 2019 को सफल परीक्षण किया गया। इसरो द्वारा ये जानकारी के अनुसार उपग्रह की आयु 15 साल है। तो आपको ध्यान रखना है जो 40वां उपग्रह भेजा गया उसका नाम है GSAT-31। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने डॉल्फिन की एक प्रजाति को राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया है? तो आपको बताना है, अभी डॉल्फिन के लिए यहाँ पे एक सेंटर भी बनाया गया था, डॉल्फिन सेंटर। तो आपको बताना है कि किस राज्य में कहाँ पे बनाया गया है, केरल में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में या पंजाब में? तो इसका सही आंसर है पंजाब में। पंजाब में एक डॉल्फिन सेंटर भी बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है, ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य की राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। पंजाब में पाई जाने वाली यह डॉल्फिन लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। पंजाब सरकार ने इसे हाल ही में राज्य जलीय जीव घोषित करने की मंजूरी दी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे मिली ये प्रजाति, कहाँ पे इसको बनाया गया है, वो है पंजाब में। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में दी जानकारी के अनुसार चुंबकीय ध्रुव कनाडा से किस देश की ओर खिसक रहा है? तो आपको पता है जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है ये कनाडा में ज़्यादा मेन फोकस है, तो वो वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुकूल ये खिसक रहा है। तो आपको पता है ना वो किस साइड में खिसक रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ खिसक रहा है, रूस की तरफ, इंग्लैंड की तरफ या अमेरिका की तरफ? तो ये अभी खिसक रहा है रूस की तरफ, यानी कि बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक के अनुसार जानकारी में के अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अपनी जगह से खिसक रहा है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हर साल लगभग 55 किलोमीटर रूस की ओर खिसक रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना किस ओर खिसक रहा है, एग्जाम में बन सकता है किस ओर खिसक रहा है, रूस की ओर खिसक रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस सरकारी मिशन का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुँचाने के लिए शहरी समृद्धि उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो आपको बताना है ये कौन से मिशन को लाभ पहुंचा रहे हैं अपन समाज को, तो वो जिसके लिए एक नया पहुंचाने का मिशन उत्सव सुना किया है, शहरी समृद्धि विकास, तो उस मिशन का नाम बताना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, उज्ज्वला मिशन या स्मार्ट सिटी पर योजना या स्वच्छ भारत मिशन योजना? तो आपको पता है उज्ज्वला योजना जो होती है वो गैस सिलेंडर वगैरह से संबंधित है, जो गरीब महिलाओं को अब गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और जो स्मार्ट सिटी योजना है वो स्मार्ट सिटी से, स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत से है। और आपको बताना है दीनदयाल योजना इसका सही आंसर है। शहरी एवं समृद्धि उत्सव आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक पहल की है जिसका लक्ष्य दीनदयाल अंत्योदय मिशन ग्रामीण राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन के लाभ को कमजोर वक्त तक पहुँचाना है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन द्वारा जयपुर कोटा अलवर में 11-12 जनवरी को किस नाम से आपदा राहत अभ्यास का प्रदर्शन किया जाएगा? तो ये आपको पता है अभी आपदा राहत पे ये जो प्रदर्शन किया जाएगा उसका नाम जो रखा जा रहा है वो एक मिशन है एक तरह से, तो इसका आपको नाम ध्यान रखना, ये पक्का एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। इसका नाम है राहत, यानी कि सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा जयपुर कोटा अलवर में 11-12 जनवरी के दौरान आपदा राहत अभ्यास राहत का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अभ्यास में विभिन्न संगठनों के बीच आपसी तालमेल का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है राहत, आपको ये ध्यान रखना है, ये पक्का एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 1984 में कानपुर में सिख विरोधी दंगों को लेकर विशेष जांच दल की घोषणा की थी, गठन किया गया था? मतलब 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उनके लिए एक विशेष दल बनाया गया था, उसका नाम वो बताना है वो किस सरकार ने बनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने, झारखंड सरकार ने या पंजाब सरकार ने? तो इसका सही आंसर है झारखंड सरकार ने, सॉरी इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार, इसका सही आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश सरकार, इसका सही आंसर है। तो आपको ये सही आंसर मार्क कर लेना है, इसको यहाँ पे ए कर दीजिएगा आप। इसमें देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1984 में कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर विशेष जांच दल का गठन किया था। इस गौरतलब है कि कानपुर में सिख विरोधी दंगों के दौरान कम से कम 125 लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, रूस के अनुसार वर्ष 2021 तक सतह से लक्ष्य भेदने में सक्षम कितने नए मिसाइल लॉन्च किए जाने की योजना है? तो अभी जो रूस के नए मिसाइल बना रहा है 2021 तक, वो बताना कितने नए मिसाइल बना लेगा, 3, 4, 7 या 2? इसका सही आंसर है 2 मिसाइल ऐसी बना लेगा। रूस के अनुसार वर्ष 2021 तक सतह से लक्ष्य भेदने के सक्षम 2 नई मिसाइलों का सिस्टम लॉन्च किए जाने की योजना है। रूस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में शीत युद्ध के दौरान रूस के साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स संधि निकलने की घोषणा की थी। अभी आपको पता है रूस ने और अमेरिका ने दोनों ने जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर संधि थी उसको तोड़ दिया और वो दोनों अलग हो गए हैं, बाकी सब भी उसमें है लेकिन अमेरिका और रूस दोनों अलग हो गए हैं। तो इसी टाइम पे रूस ने ये किया है, तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने एस्मा कानून लागू करते हुए अपने कर्मचारियों को हड़ताल पर 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी? तो अभी एस्मा कानून लागू किया गया है, इसमें क्या होता है, ये जो कर्मचारी है उनको 6 महीने तक अपने किसी भी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। तो ये कौन सी सरकार के द्वारा लागू किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा या कर्नाटक सरकार द्वारा? ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बन सकता है। अभी जो लेटेस्ट में जो भी एग्जाम्स होंगे, जैसे SSC का एग्जाम आने वाला है और भी जो SSC GD का एग्जाम हो सकता है, उसमें करंट अफेयर के टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा कानून लागू करते हुए अपने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी। कुछ कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर 6 फरवरी से हड़ताल की घोषणा की थी। अभी जो NPS के चक्कर में इन लोगों ने घोषणा की थी, क्योंकि NPS कुछ सिस्टम होते हैं जिसमें इनको पेंशन मिलती थी, उस पेंशन के लिए इन लोगों ने हड़ताल की थी। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया कानून निकाला जिसका नाम रखा है उन्होंने एस्मा, जिसके अकॉर्डिंग कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल पे नहीं जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नमामि गंगे के कार्यक्रम के तहत कुल कितने सीवरेज आधारभूत ढांचे संबंधी परियोजना को मंजूरी दी गई है? अब आपको नमामि गंगे के जैसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको पक्का ध्यान रखना, क्योंकि इसी से पक्का क्वेश्चन एक ना एक बनेगा, क्योंकि नमामि गंगे छोटी मोटी परियोजना नहीं है, बहुत बड़ी परियोजना बन चुकी है। तो आपको बताना उसमें कितने परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है 136 परियोजना को मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल 136 सीवरेज आधारभूत ढांचे संबंधित परियोजना को मंजूरी दी, अब तक 26 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम सचिव MM कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन की खपत से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता देश बन गया है? तो अभी आपको पता है LPG सबसे ज़्यादा जो उपभोक्ता यूज़ में आ रहा है दूसरे में, तो वह है अपना इंडिया, यानी कि भारत। इसका सही आंसर होगा, पेट्रोलियम सचिव MM कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन खपत के साथ भारत दुनिया का दूसरा LPG उपभोक्ता बन गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और अभी अगर तक आपने अगर RPF के अपने जो नंबर्स काउंट नहीं किए, तो सबसे पहले हमारी प्रीवियस वाली वीडियो में जाके देखें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने RPF SI के नंबर काउंट कर लीजिए। और जो भी आपके नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, जिससे हम आपके कट ऑफ बता सकें, मतलब इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।